आज का दिन गांधी की याद करने का है, आज का दिन लाल बहादुर शास्त्री की याद करने का है, और आज रायपुर के शहीद स्मारक भवन में गांधी, युवा और नए भारत की चुनौतियां, इस विषय पर चर्चा करने के लिए जिसकी बात आप सुने भी हैं, आदरणीय डॉक्टर अशोक खोसला जी, चेयरमैन डेवलपमेंट अल्टरनेटिव, जिसके विचार आपने सुने, जो इंदिरा जी, राजीव जी के साथ काम किए, आपने अभी डॉक्टर विजय महाजन जी, जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजीव गांधी फाउंडेशन एवं निदेशक राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ कंटेम्पररी स्टडी दिल्ली, उसको भी आपने सुना, और मंच में हमारे विधायक साथी भाई देवेंद्र यादव जी, मुख्यमंत्री के सलाहकार भाई प्रदीप शर्मा जी, अंबरगन साहब, विवेक आचार्य जी, और जिन्हें अभी आपने नहीं सुना है वो लेफ्टिनेंट जनरल अरुण साहनी जी, जो पूर्व कमांडर इन चीफ भारतीय सेना महानिदेशक, इंडियन नेशनल एसोसिएशन फॉर द क्लब ऑफ रोम, चतुर्वेदी बनर्जी संस्थापक चेयरपर्सन एकम रेसोनेंस, और डॉक्टर विभव गुप्ता चेयरपर्सन सेंटर फॉर साइंस फॉर विजिलेंस वर्धा। आज ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, पूरे छत्तीसगढ़ के लिए, रायपुर के लिए और यहां के युवाओं के लिए, कि बड़े मूर्धन्य व्यक्तियों का आज इस शहीद स्मारक भवन में पदार्पण हुआ है। मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा जोरदार ताली बजा के इन सब का स्वागत करें। किसी सभा में एक व्यक्ति को उपलब्ध हो जाना ही बड़ी बात है, लेकिन यहां तो पूरा डायक भरा हुआ है, मंच पूरा भरा हुआ है। ऐसे युवती जी जिसका जीवन में अनेक उपलब्धियां रही है, वो सारे हमारे मंच में। विभव गुप्ता के बारे में बताऊं, मैं गया था वर्धा। महात्मा गांधी जी ने पूरे जीवन भर में एक ही, उन्होंने अपने भतीजे के नाम से क्या बनाया दीदी, संग्रहालय। उस संग्रहालय को हम लोग देखने गए थे, मगनलाल संग्रहालय, वहां वो सब तमाम चीजें रखी हुई है जो गांधी जी ने अपने जीवन काल में जिन चीजों का प्रयोग किया और उसके लिए प्रतिस्पर्धाएं की। आपको आश्चर्य होगा, ये जो गांधी का जो चरखा दिखाई देता है, तो सबसे बढ़िया चरखा कौन सा होगा जिसमें सबसे ज्यादा सूत काटा जा सके, जिसमें ज्यादा सबसे ज्यादा एफिशिएंसी हो, इसके लिए पूरे देश भर में प्रतिस्पर्धा कराए, और सारे चरखे वहां रखे हुए हैं मगनलाल संग्रहालय में। और उस समय में जो सबसे बढ़िया चरखा जिनका बना था, उसको 1,00,000 रुपये पुरस्कार, उस समय 1,00,000 रुपया, कितने कृषि औजारों, पूरे दुनिया में कृषि औजार, ये खुरपी है, दराती है, वापा है, फावड़ा है, इन सबको खोजने के लिए पूरे दुनिया भर में भेजा गया। वो सारी चीजें वहां मगनलाल संग्रहालय में आपको मिलेगा, कि हम कृषि को कैसे, हम कृषि यंत्रों को कैसे उपयोग करके ज्यादा से ज्यादा हम व्यक्ति के जो क्षमता है उसमें वृद्धि कर सकें और उसके ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट प्राप्त कर सकें, वो सारी चीजें हैं। और वो परंपरा को आज भी वहां के लोग जी रहे हैं। आपको आश्चर्य होगा, मैं पूछा तो नहीं हूं विवाह दीदी से, लेकिन मैं जानता हूं वो जो साड़ी पहनी है ना, वो ऑर्गेनिक कपास की साड़ी है। वो जो कपास जहां वर्धा आश्रम में प्रयोग करते हैं, वहां सूत कताई होता है और रंगाई होता है,
वो सब ऑर्गेनिक, तो कपास उत्पादन करते हैं उन किसानों को ज्यादा कीमत मिलता है जिसमें रासायनिक खाद नहीं डाली जाती। उसी प्रकार से सारे लोग बैठे हैं जिसके बारे में थोड़ा बहुत जाना उसके बारे में बता दिया, जिसको आप सुने उसके बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आदरणीय साथियों, आज गांधी जी को हम लोग समझने के लिए, जानने के लिए, एक युवा गांधी कैसा रहा होगा जिसके बारे में प्रदीप शर्मा जी ने थोड़ी चर्चा आपसे की, दरअसल में दुनिया में जितने भी क्रांति हुई है, जितने भी परिवर्तन हुए हैं, वो बुजुर्गों से नहीं हुआ है, वो युवाओं से हुआ है। यदि गांधी जी को ट्रेन के डिब्बे से, फर्स्ट क्लास के डिब्बे से नहीं फेंका होता तो उसके मन में वो अपमान जो उसके हृदय में जो बसा, किस अपमान है, बदला लेने के लिए तुरंत वो अंग्रेज अधिकारियों से लड़ाई झगड़ा उन्होंने नहीं किया, उस गुस्से को पाला उन्होंने पूरे जीवन भर, और देखा कि ये मेरे साथ ही नहीं हो रहा है, पूरे दुनिया के साथ हो रहा है, जहां जहां अंग्रेजों का शासन है, जहां जहां साम्राज्यवाद है, वहां वहां जो उपनिवेश बने हैं वहां उनके साथ इस प्रकार की घटनाएं घटित हो रही है। वो तो गए थे अफ्रीका वकालत करने, लेकिन उन्होंने देखा कि वहां भी लोगों के साथ उसी प्रकार की बातें हो रही है जो भारतीय गए हैं वो, और वहां जो अफ्रीकन रह रहे हैं उनका, उनके साथ लड़ाई की शुरुआत अफ्रीका से। और हमारे देश में तो बहुत मुश्किल है, घर के जोगी जोगड़ा आन गांव के सिद्ध, जब तक कि हमारे लोग यहां से बाहर नहीं चले जाते ना, तब तक हम उसका मान नहीं करते। वो हमारे मोहल्ले का बच्चा है, हमारे गांव का है, हमारे शहर का है। यदि विवेकानंद जी शिकागो नहीं जाते और वहां धर्म सभा में अपनी बात नहीं कहते तो फिर विवेकानंद विवेकानंद नहीं रहते, बहुत सारे हजारों लाखों साधु हुए उसमें से एक साधु और हो जाते। लेकिन जब शिकागो गए, वहां धर्म सभा में एड्रेस किया, पूरे हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट किया, और जो बातें उन्होंने कही पूरी दुनिया में उसकी चर्चा हुई, तब जाके आपने विवेकानंद को हाथों हाथ लिया, उसके पीछे चलना शुरू किया। आजादी की लड़ाई बहुत सारे हमारे नेता लड़े, क्या लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का योगदान कम है, बनर्जी साहब का कम है, कि गोखले साहब का कम है, या फिर अभी जिस पुस्तक का विमोचन हम लोगों ने किया 1857 के बारे में, उन नेताओं के योगदान कम है। लेकिन गांधी जी जब अफ्रीका में लड़ाई लड़ रहे थे, वो दूर से आवाज आ रही थी कि कोई एक गुजराती है, हिंदुस्तानी है, जो अफ्रीका में जाके वहां लड़ाई, अंग्रेजों से लड़ाई लड़ रहा है। जब वापस आए तब यहां के जितने कांग्रेस जन थे उन्होंने कहा कि अब नेतृत्व गांधी को देना है। जो सबसे बड़े नेता थे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, जब उससे कुछ बात हो रही थी तो बोले अब मैं तो बूढ़ा हो गया हूं, अब अगला नेतृत्व मोहनदास देगा जो तुम्हारे सामने बैठा है, जो बात पूछनी उनसे पूछो। गोखले जी को उसके राजनीतिक गुरु कहा जाता है। गोखले जी ने कहा पहले पूरा हिंदुस्तान दौरा करो, यात्रा करो, साल भर तक केवल हिंदुस्तान की यात्राएं उन्होंने की, और लोग कहते हैं कि गांधी जी ने वस्त्र त्यागे क्योंकि देश में हां गरीबी, तन ढकने का कपड़ा नहीं है। लोग इस प्रकार से कह रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि गांधी जी ने वस्त्र इसलिए त्यागे कि हिंदुस्तान की परंपरा है, भारत की परंपरा है कि अपनी आवश्यकता सबसे कम रखो, न्यूनतम आवश्यकता किसी भी व्यक्ति को होनी चाहिए, उसके बिना न्यूनतम आवश्यकता में किसी व्यक्ति को गुजारा हो सके, ये परंपरा, ये संस्कृति हमारी हिंदुस्तान की रही है। उस परंपरा को उन्होंने धारण किया। आज देख लीजिए, जितनी ज्यादा आपकी आवश्यकता होगी आप उतने परेशान होंगे। यदि आपको सुबह सो उठ के
चाय पीने की आदत है, कॉफी पीने की आदत है, पेपर पढ़ने की आदत है, टूथब्रश करने की आदत है। यदि दातुन मिल जाए तो आप परेशान हो जाएंगे। पेपर नहीं मिला, टेलीविजन नहीं मिला या नेट, आपका आज के यूथ लोगों का यदि नेट बंद हो जाए तो नहाने पहले की जो दिनचर्या वो नहीं हो पाएगा। हम कितने इसी प्रकार से बहुत सारी चीजें आसपास इकट्ठा कर रहे हैं। पहले हम लोग स्कूल में थे तो दो जोड़ी कपड़ा मिलता था हमको। दीपावली में, अभी दीपावली आ रहा उस समय एक कपड़ा मिल जाता था। एक रिश्तेदार के यहां जब शादी हो रही थी तब हम लोग इंतजार कर रहे थे हमारे रिश्तेदार के यहां कि कौन से रिश्ते के हैं उसमें शादी हो रही है। उस शादी का इंतजार कर रहे थे, होते कि शादी होगी तो निश्चित रूप से एक नया कपड़ा हमको मिलेगा। और आज आज की स्थिति क्या है, रोज नया होना चाहिए, 7 दिन का कम से कम होना चाहिए। जब प्रधानमंत्री रोज नया बदल सकते हैं तो हमारे पास तो 7 दिन का होना ही चाहिए। हमारे आवश्यकताएं बढ़ती गई और जितनी ज्यादा आवश्यकता आपकी बढ़ेगी उतनी ज्यादा आप उन आदतों से आप घिरते जाएंगे, उसका गुलाम बनते जाएंगे। यदि उसे हटना है तो आपकी न्यूनतम आवश्यकता होनी चाहिए, न्यूनतम आवश्यकता में आपकी गुजारा होना चाहिए ताकि आप उसे उसमें आपका समय कम से कम खर्च हो। आपका समय खर्च होना चाहिए नए विचारों को जानने के लिए, नए काम करने के लिए। अब मुश्किल क्या है, विजय जी है, सानी जी है, खोसला जी हैं, हम लोग हैं, उसके बाद मेरा भी नंबर आ जाता है भाई। वो लोग 70, 75, 80 के हैं, 85 के हैं, मैं 60 से ऊपर हो गया हूं। तो अब हम लोग क्या सोचते हैं कि कितना जल्दी जल्दी जितना काम कर सकें। हमारे पास जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी समय कम कम होता जाएगा, काम हमारे पास बहुत ज्यादा ऐसा महसूस होता है। और यहां जो युवा बैठे हैं उनके पास, उनके पास क्षमता भी है, उनके पास समय है, लेकिन काम क्या करना है यही पता नहीं। आधी जिंदगी नौकरी पाने के इंतजार में आधी जिंदगी बीत जाती है। क्या कर रहे हो, नौकरी नहीं मिली तो नौकरी नहीं मिली तब क्या कर रहे हो, कुछ नहीं इंतजार कर रहा हूं। तो जिंदगी इंतजार करने के लिए थोड़ी है, आपको जिंदगी मिली है कुछ काम करने के लिए। काम क्या करना है, पहली बात तो स्वावलंबी होना है। आप दूसरे पे निर्भर मत हो, गांधी जी का रास्ता तो वही है, यहां की ऋषि परंपरा वही है, आप स्वावलंबी बनिए, आप दूसरों पे निर्भर कम रहिए। लेकिन हम आज स्थिति क्या है कि हमारी सबकी निर्भरता एक दूसरे पे बढ़ती जा रही है। तो निर्भरता, दूसरे पर निर्भर मत होइए, ये गांधी जी का रास्ता है। स्वावलंबी बनिए, ये गांधी जी का रास्ता है। आत्मसम्मान के साथ जिए, खुद भी सम्मान के साथ जिए, दूसरों को भी आप सम्मान करिए। और इन सब बातों को लेकर गांधी जी किसानों के बीच में, मजदूरों के बीच में, दलितों के बीच में, महिलाओं के बीच में काम करते। केवल आजादी उन्होंने नहीं दिलाई, यदि आप उसके पूरा सत्य के प्रयोग आप पढ़े, उसकी जो लिखी हुई पुस्तक पढ़े या उसके जो सचिव थे उनकी पुस्तकें पढ़े, और गांधी के बारे में कितने लोग लिख चुके हैं, लेकिन जो बेसिक जो उनके सिद्धांत है उनको जो सत्य के प्रयोग का पढ़ लें तो बहुत चीजें आपको स्पष्ट हो जाएगी। गांधी जी के जीवन में सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने कर्म का सम्मान उन्होंने किया। बहुत लोग बोलते हैं, अभी जैसे विजय जी ने कहा कि 30 जनवरी को गोडसे ने उसके बूढ़े गांधी को, 28 साल का जवान गोडसे ने मार दिया।
अब मारे तो उसका कारण क्या? बहुत सारे लोग बहुत सारे कारण बताते हैं, विद्वजन बहुत सारे अपनी अपनी बात कहते हैं कि पाकिस्तान, फिर हिंदू मुसलमान, बहुत सारी बातें आ जाती हैं। लेकिन गांधी जी की हत्या के पीछे आप देखेंगे, क्या गांधी जी की हत्या का प्रयास उसी समय हुआ, 30 जनवरी को हुआ या 20 जनवरी, उसके पहले 20 जनवरी को हुआ? क्या दो बार हुए? जो अफ्रीका में थे तब भी हुए थे, और जब वर्धा में आए और महाराष्ट्र में थे तब भी अनेक बार उसके पर हमले हुए। उस समय तो कोई डिवीजन की बात नहीं थी। तो डिवीजन आधार नहीं है, हिंदू मुसलमान आधार नहीं है, तो फिर आधार क्या? जो मेरी समझ है वो समझ ये है कि गांधी जी ने कर्म का सम्मान किया। वो सम्मान कभी वो किसानों के बीच जाके खेती का काम करते थे, कभी ये चरखा जो आजादी की लड़ाई का प्रतीक बन गया। आप नहीं समझते कि बुनकरों का सम्मान है, जो बुनकर मेहनत करते हैं, सूत काटते हैं, कपड़ा बनाते हैं, ये उसका सम्मान नहीं है? क्या गांधी जी कभी मरे हुए ढोर के खाल उतार रहे हैं तो क्या उन दलितों के सम्मान नहीं है? क्या सर में मैला ढो के उन डोम लोगों का मेहनत का सम्मान नहीं है? जिसे हम घृणा करते हैं उस कार्य को भी गांधी जी ने करके सम्मान दिलाया, किसको? जो मेहनत कर रहा है, चाहे मैला ढोने वाला हो, चाहे खाल निकालने वाला हो, चाहे वो बुनकरी करने वाले हो, चाहे कृषि करने वाले हो, चाहे वो औद्योगिक क्षेत्र में उद्योग में काम करने वाले मजदूर हो, उन सबको सम्मान दिलाने का काम गांधी ने किया। और देखा कि गांधी जी इनपे सब में तो आत्मविश्वास भर रहे हैं, फिर आज सामाजिक रूप से गुलाम बना करके थे, वो हमारी गुलामी कौन करेगा? और इस विचारधारा ने गांधी जी की हत्या की है, मैं मानता हूं कि इनका शोषण समाप्त हो जाएगा। तो जो श्रम का सम्मान गांधी जी ने कराया, उससे लाखों करोड़ों लोग उठ खड़े हुए, जुड़ते गए, और फिर उसको हराना मुश्किल था। गांधी जी ने फिर सत्य अहिंसा, जो पुरानी हमारी प्राचीन परंपराएं रही है, चाहे वो बुद्ध से लिया हो, चाहे महावीर से लिया हो, चाहे रामकृष्ण परमहंस से जो उन्होंने ज्ञान लिया हो, उन सारी चीजों को अपने जीवन में धारण किया। आज मुश्किल ये है, उस समय में गांधी जी के साथ चल के आंदोलन किए, जेल गए, उसके साथ चल के कृषि किए, उसके साथ बैठ के चरखा चलाया, उसके साथ बैठ के चमड़े के चप्पल बनाए, जूते बनाए। लेकिन बाद में हुआ क्या? बाद में हुआ ये कि हम गांधी जी के रास्ते पे चल नहीं पाए, इस कारण से शहर के बीच सबसे प्रतिष्ठित जो चौराहा है उसमें प्रतिष्ठित कर दिए, और गांधी जी को माला पहना दिए, सूत का माला पहना दिए, और प्रणाम कर लिए। जिसके रास्ते में नहीं चलना है उसको मूर्ति बना के पूजा करके प्रणाम कर लो। लेकिन आज आवश्यकता उसी की है, जो श्रम का सम्मान है उसे हमको करना है, और वही काम आज हम छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ की सरकार कर रही है। गांधी जी ने क्या कहा? आजादी मिलने के बाद हमें आजादी तो मिल गई, राजनीतिक रूप से हमको आजादी मिल गई, अब हमारा हम अंग्रेजों से शासित नहीं होंगे, हम हिंदुस्तानी शासन चलाएंगे। लेकिन सामाजिक और आर्थिक रूप से आजादी प्राप्त करना बाकी है, और वो प्रक्रिया निरंतर चला आ रहा है।